नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यूपी और बिहार का सबसे फेमस मिष्ठान सठौरा बनाना बताने जा रही हूँ, तो आप इसको सीखिए। जो भी ये सठौरा मतलब खाते हैं, सौंठ का लड्डू तमाम बनाते हैं, लेकिन ये सठौरा इसमें अलग सामग्री है कुछ सौंठ के लड्डू से, तो मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूँ। मैं आपको सौंठ का लड्डू यानी सठौरा बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखाना चाहती हूँ। सठौरा यानी कि सौंठ का लड्डू जो सठौरा होता है, बनाने का विधि ये है कि जितना खांड या गुड़, खांड हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, गुड़ को आपको कूटना पड़ेगा, तो जितना गुड़ रहे उसका चौथाई हिस्सा, बाकी सामग्री जैसे आटा और जो भी होते हैं उसका चौथाई हिस्सा मेवा रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि ये 1 किलो कूटा हुआ गुड़ है, देसी गुड़। अगर आपको खांड मिल जाए लाल तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसमें शक्कर नहीं पड़ता है, कि इसलिए कि ये जच्चा को दिया जाता है, जिनको बच्चा पैदा हुआ रहता है उनको दिया जाता है। और ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये बड़े बूढ़े जिनके मतलब पाँव गरम दर्द होता है वो भी खा सकते हैं, तो मैं पहले आपको बता दे रही हूँ। ये 1 किलो कूटा हुआ गुड़ है, इसी के हिसाब से चौथाई भाग, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये 1 पाव गेहूं का आटा है, ये 100 ग्राम से 150 ग्राम सौंठ है, जो कि घर में बना लें, अगर अच्छा दुकान में मिले तो ठीक है ना, घर में हर चीज हम लोग घर में ही बनाते हैं। ये शुद्ध गाय का देसी घी है, ये अलसी है जो कि सेठौरा का सबसे महत्वपूर्ण एक विधि है, इसको जरूर डालते हैं। और ये हल्दी है, जो कि ये अलसी भी 1 पाव है, आटा जितना रहता उतना अलसी, और ये हल्दी है, हल्दी 100 से 150 ग्राम, जितना सौंठ रहेगी उतनी ही हल्दी रहेगी। ये सामग्री हो गया, और बाकी है ये सामग्री मेवा, जो कि पंच मेवा है। तो ये नारियल है जो कि हम कद्दूकस से कस लिए हैं, ये 100 ग्राम है, फूला इसलिए लग रहा है कि ये सूखा इसलिए फूला लग रहा है। और ये काजू है जो कि 100 ग्राम है, ये बादाम है जो कि 100 ग्राम है, ये किशमिश है जो कि 100 ग्राम है, ये खसखस है, पोस्ता का दाना भी बोलते हैं इसको, और ये छुहारा है जो कि 100 ग्राम है, और ये चिरौंजी है जो कि छोटे छोटे गेहूं का आकार का दाना होता है, ये 50 ग्राम है, और ये गोंद है, ये 100 ग्राम है। इस गोंद को हम घी में भूनेंगे, बाकी और जितने भी मसाले हैं इन सबको हम काट के भूनेंगे। और ये जो आपको मैं आटा, हल्दी और ये अलसी दिखाई हूँ, इनको भी भून के ही आपको मैं पूरी तरह से इसका विधि बताऊंगी। जो ये मेवा होते हैं उनको हम सामान्य भाषा में पंच मेवा बोलते हैं, यानी पांच मेवा। तो पांच मेवा में होता है ये छुहारा, ये चिरौंजी, ये किशमिश, और ये मतलब नारियल, हम इसको किस लिए हैं, इसको टुकड़ा टुकड़ा भी काट लेते हैं, और ये मखाना। तो ये पांच मेवा में यही पांच मेवा महत्वपूर्ण ज़्यादा रहता है, और ये सब भी मेवा है। तो आप जितना भी मेवा जैसे डाल सकें, ये काफ़ी तंदुरुस्ती के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ये खसखस है, ये भी मेवा में है, बादाम, ये काजू, और जो पिस्ता होता है, ये सब अखरोट वगैरह सब मेवा में आते हैं। आपको जितना भी मेवा, सूखा मेवा उपलब्ध हो सके उतना सारे मेवा आप इस सठौरा में डाल सकते हैं अच्छी तरह से भून के। तो ये मखाना है जो कि 100 ग्राम है, इसको भी हम भून के पीस के डालेंगे। तो मैं आपको सारे मसालों को भून के उसके बाद उसको मैं इकट्ठा करके पीस के दिखा रही हूँ। तो इस अलसी को भूनते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको मगदल में बताई थी भूनना, मूंग को जैसे भूनना बताई थी, तो उसको हम बालू में भूने थे, इसको बालू में नहीं भूना जाता। ये अलसी को भून के और इसको बारीक कूटते हैं, कूट के इसको चलनी से चाल लेते हैं, फिर इसका जो चूर्ण होता है आटा के जैसे हो जाता है, तो उसको भी हम सठौरा में डालते हैं। जो माताएं सठौरा बनाती हैं वो जानती हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये अलसी है, इसको हम भून रहे हैं, तो ये काफ़ी आवाज़ करता है भूनते समय, चिटचिटाता है, तो इसको हम अच्छी तरह से
भून लेंगे। अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो पहले तो माता लोग इसको खल बट्टा में या उखली में कूटती थी, अभी तो हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसको भून के हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम पीसेंगे। तो अगर मैं कह रहे थे कि अगर कम ये भुना रहेगा ना तो ये पूरा एकदम से एक दूसरे में लिपट जाएगा और अच्छे तरह से आटा नहीं बन पाएगा ये। इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं। अब भून के हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए इसमें काफ़ी आवाज़ आ रहा है ऐसे, तो आप समझिए कि ये भुना रहा है। देखिए आवाज़ इसकी। तो इसका नियम है जब इसका चिटचिटाना बंद हो जाता है तब हम ये सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी तरह से भुना गया है। तो ये अलसी भुन चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये अलसी को हम ठंडा हो जाएगा कम से कम 5 मिनट के बाद, फिर हम इसको पीसेंगे। अब मैं आपको जो बाकी सामग्रियां हैं उनको हम भून के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेवा को भूनेंगे ये शुद्ध घी में। तो हम इन सब मेवों को पहले भून लेते हैं फिर काटेंगे, या काट के भी भून सकते हैं। तो ये जो सेठौरा है, ये जो दुबले पतले लोग हैं, मान लीजिए जिनको बहुत काफ़ी दुबले हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो, जैसे वृद्ध सयाने भी हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा ये सब चीज़ जो पौष्टिक डले हुए हैं, ये काफ़ी ताकतवर हैं। इनको अगर 2 सठौरा खा के सुबह और 2 सठौरा शाम, या छोटे छोटे रहते हैं तब, बड़े रहते हैं तो एक ही गाँव में तो काफ़ी बड़े बनाते हैं, एक ठो खा लो तो फिर पूरे दिन खाना नहीं खाता आदमी, तो छोटे छोटे रहते हैं, 2 ठो खा के ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी आप सठौरा को खाओ तो हल्का गुनगुना दूध पीना चाहिए, तो उससे काफ़ी जो दुबले पतले लोग रहते हैं वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन जो मोटे हैं वो और मोटे इसलिए नहीं होते कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ज़्यादा मोटे हो जाए। तो ये गोंद है, इस गोंद को हम इसमें भूनेंगे। अब भूनने के बाद इसको कूट लेते हैं, तो ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है। ये मेवा में नहीं आता है, ये औषधि में आता है। ये औषधि है जो जिनके बच्चा पैदा हुआ रहता है, वो मतलब उनके जो भी शरीर में कमजोरी रहता है वो भी दूर होता है, और काफ़ी जो मतलब खून वगैरह की जो कमी रहती है वो भी ये सब मेवा और ये सब मिलके दूर हो जाता है उससे। तो जितने भी मसाले हैं हम इनको भून लेते हैं, और थोड़ा हल्का सा ठंडा होने के बाद ही हम इनको कूटते हैं। ये गोंद है, ये किराना की दुकान में मिल जाता है, तो अनुपात तो वैसे ही रखे जैसे मैं आपको बताई हूँ कि 1 किलो गुड़ है तो उसमें बाकी आटा 1 पाव 1 पाव अलसी और 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सौंठ, बाकी जो मसाले हैं ये भी सब 100-100 ग्राम अच्छी तरह से मतलब साफ करके इनको बाज़ार से आए साफ करने के बाद ही इनको अच्छे से भून के काट के मिलाया जाता है। यूपी और बिहार का ये फेमस मिष्ठान है। जिनके बच्चा पैदा होता है, पहले तो जो जिनको पैदा होता है बच्चा उनको देते हैं, उसके बाद जब शुद्धिकरण हो जाता है घर का तो इस मिष्ठान को काफ़ी मात्रा में बना के पूरे गांव में बांटा जाता है। इसी मतलब जो ये सठौरा बता रही हूँ, पूरे गांव में बांटा जाता है, और वहाँ के लोग जहाँ जहाँ भी हैं इस मिष्ठानों को ज़रूर बनाते हैं, या जो भी जैसे हम संक्रांति में जो जो बनाते हैं जहाँ, तो जहाँ कहीं भी रहे वो व्यक्ति अपना जो खान पान है उसको हर जगह ही उसी तरह से बनाते हैं और मनाते हैं त्योहारों को। तो ये गोंद है, इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको कूट लेंगे।
और बाकी ये बादाम है, इसको भी हम हल्का भूनेंगे। तो ये मेवा है, इन सब मेवों को मैं तल ली हूँ। ये मखाना है, इसको भी तल ली हूँ, ये गोंद है। तो कढ़ाई का जो घी है वो ज़्यादा है, तो ये जो नारियल है इसको हम थोड़े से ही तेल में तलेंगे, इसलिए हम कढ़ाई का जो बाकी बचा हुआ घी है उसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। काहे कि ये जो नारियल है इसमें पहले से भी घी रहता है, तो ज़्यादा घी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। आप भी ऐसे ही करना, ऐसे इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे बस। और हम अभी गैस बंद कर दिए हैं, फिर से हम चालू कर देते हैं गैस को। तो और जो बाकी चीज़ें हैं मैं आपको इसी तरह से भून के दिखाऊंगी, मतलब जो घी है वो ज़्यादा है। ये नारियल को अब मैं भूनूंगी थोड़ा सा, काहे कि अगर हम ज़्यादा घी में डालेंगे तो पूरा घी ये सोख लेगा, जबकि इसमें खुद ही घी रहता है नारियल में। तो इसको हम थोड़ा सा घी में हल्का सा भूनेंगे बस। और फिर हम खसखस भी, खसखस जो है उसको भी थोड़े से ही घी में भूनते हैं, और फिर उसको हम आटा में मिला के बनाते हैं। आंच थोड़ा कम करके हम इसको भूनेंगे। और जो जिसको नारियल का स्वाद ज़्यादा पसंद रहता है वो नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, लंबे लंबे। बहुत लोग ऐसे इसको कद्दूकस से भी कस लेते हैं, तो इसको वैसे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जो जच्चा रहती है, यानी कि जिनको बच्चा पैदा हुआ रहता है उनको चबाना चाहिए। तो जो दांत है वो माताओं को पता है, दांत हिलने लगते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है 32 पूरी, तो इस नारियल को चबाना चाहिए, इसके टुकड़े को। आप खाना खाए बोलें तो थोड़ा सा नारियल लेके उसको चबाएं तो दांत अंदर की तरफ बैठ जाता है अच्छी तरह से। ऐसी जो माताएं थी पहले करती थी, ऐसे करवाती थी, नारियल को चबाना चाहिए। उससे नारियल चबाने से जो इसका तेल होता है वो दांतों के जड़ तक जाता है। तो ऐसी भी मान्यता है कि दांत कभी भी, अगर जो जिनको बच्चा पैदा हो जाता है वो कम से कम 15 दिन तक कच्चा, मतलब ऐसे सूखा नारियल को चबाएं लगातार सुबह शाम, तो उनका कभी भी दांत नहीं टूटता, बुढ़ाई में भी, बूढ़े हो जाते हैं तब भी। ये आपको मैं बहुत ही खास विधि बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर करना। ये लड्डू उन्हीं को दिया जाता है, जच्चा को, इनको बच्चा पैदा हुआ रहता है। ये आजकल की जो बेटियाँ हैं वो बच्चियाँ, वो अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए सब लड्डू वगैरह बहुत कम खाती हैं कि मीठा है, तो इसीलिए वो कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो ये भून चुका है, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको फ़ायदे इनका बता रही हूँ, इसीलिए बच्चियाँ वो सब काम नहीं कर पाती जो कि पहले की माताएं आज भी कर लेती हैं। उनका शरीर, पहले की माताएं ये सब काफ़ी मात्रा में खाती थीं, तो उनका शरीर आज भी पुष्ट है। इसको हम साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं। और फिर हम ये भून चुका है, ये खसखस है, इसको भी हम थोड़ा सा ही घी डाल के गरम करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये मसालों को भूनने से काफ़ी स्वाद बढ़ जाता है, मसाला, सारे मसाले भून कर पड़ते हैं। ये खसखस भून गया है, हल्का सा ये चिड़चिड़ाता है, उसके बाद इसको निकाल लेना चाहिए दूसरे बर्तन में। ये भून चुका है, तो मैं ये सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि एकदम साफ़ है, चाहे कि ये करछुल से पूरी तरह से नहीं निकल पाता, तो ये निकल गया। ये खसखस है, ये भून चुका है बाकी मसालों की तरह। अब मैं आपको दिखा रही हूँ आटा भून के। आटा को हम वैसे ही भूनते हैं जैसे पंजरी भूनते हैं, जो भगवान जी का प्रसाद बनाते हैं, वैसा इसको भूरा भून लेते हैं आटे को। आटा कच्चा नहीं होना चाहिए।
और शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करते हैं। और पहले माताएं अलसी का तेल का, जो अलसी मैं आपको भून के दिखाई हूँ, अभी कूट के दिखाऊंगी, तो अलसी के तेल का ही डाल के बांधती थी। वो काफी औषधीय गुण होता है, वैसे घी में भी काफी औषधीय गुण होता है, पर अलसी का तेल सब नहीं खा पाते हैं, इसमें थोड़ा स्वाद कम रहता है, घी में स्वाद ज्यादा रहता है। तो ये गेहूं का आटा है, ये भून चुका है पूरा भूरा, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आपको भी इतना ही भूनना है, कहीं कहीं मान लो भूनते समय कहीं कहीं वो गुट्ठी गुट्ठी पड़ जाता है काला काला, तो इसको आप चलनी से चाल भी सकते हैं या बीन के ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैं अब आपको दिखा रही हूँ हल्दी भून के, हल्दी भी भून के ही डाला जाता है। ये हल्दी 100 ग्राम है। हल्दी भी काफ़ी फायदेमंद चीज होता है, जो कि सौंठ का लड्डू जो बनाते हैं उसमें कम ही मिलाते हैं, सेठौरा में इसको मिलाया जाता है। हल्की आंच करके हम हल्दी को भूनेंगे, थोड़ा सा घी और मिला देते हैं, काहे कि ये सूखा होता है तो जलने लगता है, और इसको भून के ही डालते हैं। नहीं अगर हम थोड़ा सा भी कच्चा अगर डालेगा तो खाने में स्वाद नहीं है, कड़वा रहेगा। तो मैं आपको विधिवत दिखा रही हूँ सेठौरा बनाना, बता रही हूँ, जो कि यूपी और बिहार में काफ़ी फेमस है। बच्चा पैदा होने पर इसको माँ को दिया जाता है, घर वाले भी खाते हैं, बूढ़े सयाने भी इसको खा के दूध पीते हैं। पीने से उनका जो घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। इसको ठंड में स्वास्थ्य वर्धक है, ठंड में इसको सब खा सकते हैं। गर्मियों में इसमें काफ़ी गर्म चीज़ें जैसे गुड़ है, हल्दी है, सौंठ है, सब काफ़ी गर्म चीज़ें होती हैं, तो इसको गर्मी में नहीं खाया जाता है, ये सिर्फ ठंड में। ठंड में इसको कोई भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जच्चा ही खाएं, इसको अगर कोई कमज़ोर है उसको भी देते हैं इसको बना के, तो काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं ठंड में इसको खा के, गिलास दूध पी लें। तो ये हल्दी भी भून चुका है। इसी प्रकार से सौंठ को भी हम थोड़ा सा घी डाल के सौंठ को भी भून लेते हैं इस शुद्ध घी में। तो इसमें इतने जो सब चीज़ें हैं, इसमें घी पड़ा हुआ है, जितना मैं आपको घी दिखाई थी 250 ग्राम घी, ये सौंठ है जो कि 100 ग्राम है, कटोरी में फूला हुआ है इसलिए ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा इसको भी हम भून लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो अलसी दिखाई हूँ भून के, वो ठंडा हो गया है, और बाकी मेवे भी काट के इसमें मिलाने हैं। तो इसको हम ज़्यादा नहीं भूनते सौंठ को, थोड़ा सा हो गया, ये भून चुका है। तो आप विधिवत ऐसे ही आप सेठौरा बनाइए, और इसको एक मिष्ठान, काफ़ी पौष्टिक है और काफ़ी हेल्दी है। तो ये भी भून चुका है, अब मैं आपको पीस के दिखाती हूँ छान के अलसी। अलसी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये जो बच्चा जिनको पैदा होता है उनको कमर उमर में जो दर्द होता है वो नहीं होता, वो सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाती है माता, इसलिए सब दिया जाता है और सब माताओं को खाना चाहिए। तो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो ये अलसी ठंडा हो गया है। अब बहुत सारे लोग अलसी जानते भी नहीं होंगे जो शहरों में रहते हैं, काहे कि उनसे अलसी का कोई उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी कि अलसी क्या है। अलसी एक तेलहन है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सब तेलहन है, तेल निकलता है। उसी प्रकार से अलसी में भी तेल निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा सब्जियों वब्जियों में नहीं डालती, औषधि के लिए होता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अलसी का ये चूर्ण है। आप इसको भून के पीसेंगे तो इसका जो सुगंध है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये काफ़ी इसमें तेल निकलता है, पर इसको भूनने से नहीं पता लगता। अब इसको हम थोड़ा सा छान लेते हैं, कि अगर जैसे कि थोड़ा बहुत अलसी नहीं पीस पाया होगा तो दोबारा पीस लेंगे, या तो फिर उसको हम निकाल देते हैं। तो आप इसको अभी तक शायद लड्डू में नहीं मिलाए होंगे, वैसे जो मिलाते हैं वो जानते ही हैं। तो आप जब भी जच्चा के लिए लड्डू बनाइए तो
तो उसमें हल्दी और ये अलसी जरूर डालिए। पहले की माताएं घी की जगह अलसी के तेल से ही सारे मेवों को भूनती थी और अलसी के तेल को डाल के ही ये लड्डू बनाती थी। ये जो कमर वगैरह में दर्द होता है बच्चा होने के बाद, काफ़ी जो शरीर ढीली पड़ जाती है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। शरीर बहुत जल्दी रिकवर करके बहुत जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाती हैं माताएं। जैसे देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इसको हम दोबारा नहीं पीसेंगे, हम इसको निकाल देंगे। और ये चूर्ण को देखिए, बारीक चूर्ण है, और जब हम इसको पीसे हैं तो बहुत ही सोंधा सोंधा महक रहा है। इसको हम सेठौरा में डाल के आपको बताते हैं। ये गोंद है और ये मखाना है, दोनों को मैं एक साथ में थोड़ा सा पीस लूँगी, या इसको आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो ये गोंद है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कच्चा गोंद है, मतलब ये पका हुआ नहीं है पूरी तरह से, ये नहीं पिसा पा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे किसी भी बेलन वगैरह से इस तरह से कर लेंगे, कूट लेंगे। कोई कोई गोंद बाजार से ही कच्चा रहता है तो वो तलने से भी वो नहीं होता है, तो कच्चा गोंद है। जो पके हुए थे वो पिसा गए हैं, हम इनको निकाल देंगे और ये मखाने को भी हम पीस लेते हैं। कभी कभी कच्चा गोंद भी बाजार वाले दे देते हैं, तो ये वैसा ही गोंद है ये। और गोंद जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी जो अंदर से गीला रहता है, यानी कि उसको अच्छी तरह से सुखाए नहीं रहते हैं, वो गोंद ही ऐसे होते हैं, तो उनको जो सठौरा है उसमें डालना भी नहीं चाहिए, क्या खाएंगे तो मुंह में वो लगेगा। जो इसका ये टूटा हुआ भाग है, बस हम इसी को सठौरा में डालते हैं, वे काफ़ी फायदेमंद होता है। इसको थोड़ा हम ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, जैसे कि ये निकल गया तो ये इसकी मात्रा कम हो गई, आप जब भी बनाना तो इसको ज़्यादा मात्रा में। तो इसको हम पीस लिए हैं, अब हम मेवा काट के भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लड्डू बना के। तो ये जो मैं आपको बताई थी, ये सारे सामग्री को मैं भून के तैयार कर ली हूँ। जैसे कि ये सौंठ है इसको भूनी हूँ, खसखस है इसको भूनी हूँ, हल्दी भूनी हूँ, ये अलसी है जैसा आपको बताई हूँ, तेलहन है ये, इसको भून के मैं छान ली हूँ, बाकी तो उसको छना हुआ फेंक दी हूँ, यानी गाय को दे दी हूँ। और ये मखाना है, ये गोंद है, ये किशमिश है, ये भुना हुआ गेहूं का आटा है एक पाव, ये नारियल है किसा हुआ भुना हुआ, ये काजू, ये बादाम, और ये छुहारा, और ये चिरौंजी, ये गुड़ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मिष्ठान का। एक किलो कुटा हुआ गुड़ है, इसमें खांड भी डाल सकते हैं, तो खांड हमको नहीं मिल पाई है, खांड ज़्यादा सहूलियत रहता है उसमें, कितना भी कूटो ये गुट्ठी गुट्ठी रहता है, खांड ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको लड्डू बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले गुड़ को मैं ये बड़े थाल में डाल लेती हूँ, ये इसी हिसाब से बनता है कि एक किलो गुड़, बाकी सब चीज़ एक एक पाव और 100-100 ग्राम ये मसाले रहते हैं। ये सौंठ है भुना हुआ जो कि 100 ग्राम है, ये अलसी जो कि सेठौरा का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, ये अलसी, ये गेहूं का आटा घी में भुना हुआ, ये गोंद, ये खसखस जो कि काफ़ी ये हेल्दी और काफ़ी ताकत इसमें रहती है खसखस में, ये भुनी हुई हल्दी है जो कि मैं आपको और जानकारी दे रही हूँ हल्दी के बारे में, कि जिनको भी बच्चा होता है तो माताएं, ये वो है मखाना है, माताएं हल्दी को पीस के, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की माताएं जानती होंगी इस चीज़ को, हल्दी को पीस के उसका बुकनी बनाते हैं। कोई कोई जन इस शब्द को पहली बार सुनते होंगे, ये बाकी सब मेवा मैं मिला देती हूँ। उस बुकनी को बहुत ही चटपटा रहता है, उसको रोटी में अलसी का तेल लगा के ही रोटी में और माता को देते हैं, जच्चा को। ये सब काफ़ी जो
स्वास्थ्य वर्धक होता है जिनको बच्चा हुआ रहता है, आजकल की शायद बेटियां खाएं भी ना उसको, बुकनी भी देना चाहिए। मैं आपको बता दूंगी कि काला नमक वगैरह डाल के बनाते हैं तो जच्चा को बुकनी भी दिया जाता है। ये हल्दी से काफ़ी जो कमजोरी होता है वो दूर होता है, तो इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर इसका हम छोटा छोटा लड्डू बनाते हैं। इसमें गुड़ है तो उस गुड़ को काफ़ी हम कूटे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत वो है तो उसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। खांड मिल जाए आपको तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, खांड ही मिलाइए। और जच्चा को आपके यहाँ अगर जिनको बच्चा हुआ है आप उनको बुकनी खिलाइए, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रोटी में लगा के आप अलसी का तेल नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध घी में मिला के खा सकते हैं चाय के साथ। जो सब चीज़ें मैं दिखा रही हूँ इसमें दूध भी काफ़ी माता को बनता है बच्चे को पिलाने के लिए, काफ़ी जो माताओं को दूध नहीं बनता ये सब खाने से दूध भी बनने लगता है। तो ये मिश्रण है चिठौरा का, इसको पूरी तरह से हम मिला लिए हैं। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं गर्म करके रखी हूँ, थोड़ा सा घी हल्का सा मिलाएंगे, उसे काफ़ी इसमें घी मिला हुआ है थोड़ा, कि इसे आराम से बंध जाए। और ये काफ़ी हेल्दी है, जैसा कि मैं सेठौरा के साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दी हूँ, बुकनी खाना, ये भी ठंड में ही खाया जाता है गर्मी में नहीं। बुकनी भी आप बनाना सीख लेंगी हल्दी को भून के, और उसमें काला नमक और सौंठ डालते हैं। और जच्चा को रोटी में, मतलब गरम रोटी में वो घी के साथ लगा के देते हैं, और उसको खा के चाय भी पी सकती हैं लेकिन ठंडा पानी ना पिए। मतलब कुल मिला के हल्दी शरीर के अंदर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ सेठौरा और ये बुकनी खाना, ये काफ़ी स्वादिष्ट है, आप इसको खा के देखना। गाँव में तो जिनको बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है तो माताएं अपने लिए खाने के लिए, बच्चों के लिए खाने के लिए बनाती हैं, काफ़ी ये हेल्दी और स्वादिष्ट भी होता है, कि ऐसा नहीं कि मन को मार के खाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आप बुकनी भी ज़रूर बना के उन माताओं को दें जिनको कि बच्चा हुआ है, उनकी शरीर काफ़ी जल्दी स्वस्थ हो जाता है और मजबूत रहती है। ये देखिए लड्डू, ये मैं आपको साधारणतः लड्डू बना के दिखाई हूँ, आप अगर जो गांव की माताएं बनाती हैं पूरा एक लड्डू कम से कम 250 ग्राम का रहता है, बहुत बड़ा बनाती हैं, कोई एक बार उसको खा भी नहीं, पहले की माताएं खा भी लेती थी, अब तो ये देखिए सेठौरा, आप इसको बना के खाएंगे। जैसे मैं पिछले एपिसोड में आपको बताई थी मूंग का जो मगदल बनाना, ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू है, आप इसको ज़रूर बनाइए। घर में जच्चा नहीं है यानी कि नई माँ नहीं है तब भी आप अपने लिए बनाइए, और ठंड में इसका मज़ा लीजिए, इसको खाइए और गुनगुना दूध पीजिए। कभी भी इन सब चीज़ों को, गर्म चीज़ें खा के तत्काल ही ठंडा, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत पानी पीना भी चाहती हैं तो ताज़ा या गुनगुना पानी पिए, तो ये काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। अगर आप इसको खा के ठंडा पानी पियेंगे तो उतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं करेगा। आप आकार में छोटा और बड़ा जैसे भी, जैसे कि मैं क्वालिटी का छोटा भी बनाई हूँ तो आप छोटा भी बना सकती हैं। और ये यूपी और बिहार का फेमस मिष्ठान है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पौष्टिक है, इसको जच्चा को बना के ज़रूर खिलाएं, अपने यहाँ बूढ़े सयाने हैं उनको भी ज़रूर खिलाएं, और इसके साथ साथ दूध भी पिया जाता है। तो आपका सेठौरा तैयार है, इसको सौंठ का लड्डू भी बोल सकते हैं पर ये सेठौरा बोला जाता है, आप ज़रूर बनाएं।